धनबाद बुली ओपी क्षेत्र के पांडरपाला रहमतगंज में बीते सोमवार को दिन दहाड़े तीन युवकों के द्वारा भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ललन कुमार राय से 1,23,000 रुपए लूटने के मामले का धनबाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर सफलता पाई। मई को भूली में एक घटना घटी थी, जिसमें फाइल ये भारत फाइनेंसी इंकलाब लिमिटेड के जो मैनेजर हैं ललन कुमार राय, उनके द्वारा बताया कि वो जो माइक्रो फाइनेंस का पैसा कलेक्ट करके ले लौट रहे थे, रास्ते में कुछ अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उनका पैसा छीन लिया गया। इसकी सूचना के आलोक में भूली प्रभारी द्वारा जो भी प्राथमिकी जो भी स्टेशनरी एंट्री करते हुए वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। उसके बाद जो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि वो कुछ लोग इधर पॉलिटेक्निक जंगल तरफ कहीं छिप करके कुछ पैसा ले या कुछ कर रहे हैं, इसी आलोक में भूली प्रभारी और बैंक थानाभारी की उनकी टीम का गठन किया गया। दोनों लोग जाकर के इधर छापामारी किए गए। छापामारी के क्रम में तीन लोग की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी में वहाँ से जो बरामदगी हुई है वो लगभग 1,16,090 रुपये की कैश बरामदगी हुई है। टोटल कैश की लूट 1,23,000 की लूट हुई, जिसमें से 1,16,000 की बरामदगी हुई है। बाकी 7,000 के लोग बता रहे कि उन्होंने बिग बाज़ार में जाकर कुछ फर्जी करके खरीद लिया। तो तीन अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो हैं आर्यन कुरैसी, दूसरा रिजवान खान और तीसरा मोहम्मद भुल्लू और इरशाद। तीनों लोग पांडरपाला भूली के रहने वाले हैं। पहले से मामला है इनके ऊपर, पहले से रिकॉर्ड नहीं है, इनका प्रथम रिकॉर्ड नहीं है इस तरह का। ये जो काम किया गया भूली थाना द्वारा बहुत ही सराहनीय है, इसके द्वारा उसमें उसमें भी इंफॉर्मेशन है, हम लोग पता चला जल्दी। उसको पहले से करना था या फिर कुछ ये जैसा पता चलता कि ये वादी जो कंप्लेंट है उसको वॉच करता था, पैसा कलेक्शन का काम करता था, तो इस बार उसको मौका मिला तो इन तीनों के अलावा सर और किसी के साथ लेता अभी और यही थी इस घटना में यही थी।